नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं और इसको कैसे समझना है, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट है शीशे की बनी हुई लिफ्ट, आप देख पा रहे हो सब कुछ, रस्सी है लिफ्ट की, लिफ्ट नीचे आ रही है और रस्सी टूट गई, हवा में टूट गई, अब ये फ्री फॉल में नीचे गिरेगी। आप यहाँ खड़े थे ग्राउंड पे, एक बंदा लिफ्ट के अंदर था, लिफ्ट में लैंप भी था, लिफ्ट फ्री फॉल में है, नीचे गिर रही है, ये बंदा भी नीचे गिर रहा है, लैंप भी नीचे गिर रहा है। आपने गिरते हुए बंदे को फोन मिलाया, गिर रहा है फ्री फॉल, कि भाई बस मुझे ये बता दे तेरा क्या होगा, तू जाने, तू बस ये बता कि लैंप तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, तो हाँ लैंप तो मुझे दिख रहा है गिरते गिरते, तो बस बता लैंप की स्पीड क्या है। वो कहता है लैंप तो रेस्ट पे है, क्यों, क्योंकि वो खुद मोशन में है, फ्री फॉल में है, लिफ्ट फ्री फॉल में है, लैंप फ्री फॉल में है, तो इसके लिए ये लैंप रेस्ट पे है। अब ये चीज़ आप भी नीचे खड़े हुए देख रहे हो, उसने आपसे पूछा कि तेरे को क्या लैंप दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हो, फ्री फॉल में, आप कहोगे देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से फ्री फॉल में लैंप नीचे आ रहा है, बात तो दोनों ठीक कर रहे हैं। अब न्यूटन यहाँ पर कंफ्यूज है ना, वो ये सोच रहा है कि यार आंसर क्या मांग करें, इसका मतलब ये तो देखने का नजरिया हो गया, कोई आंसर रेस्ट पे बोलेगा, कोई आंसर फ्री फॉल भी बोल सकता है। अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा हम किस विद रिस्पेक्ट टू किसके आंसर दे रहे हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आंसर दे रहे हैं तो हमारा आंसर होगा जीरो, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रहे हैं तो हमारा आंसर होगा जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये फ्रेम क्या चीज़ है, फ्रेम कुछ नहीं है, हम बोलते हैं अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में चीज़ को देख रहे हैं, ग्राउंड के नज़रिए से, नजरिए फ्रेम का मतलब देखने का नज़रिया, हम अगर ग्राउंड के फ्रेम से आंसर दे रहे हैं आंसर है फ्री फॉल, अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में आंसर दे रहे हैं, लिफ्ट के फ्रेम का मतलब लिफ्ट के अंदर घुस के आंसर दे रहे हैं, मैं भी लिफ्ट में खड़ा हुआ हूँ और फिर आंसर दे रहा हूँ, तो मेरा आंसर होगा रेस्ट। समझ में आ रहा है ये फ्रेम्स का मतलब क्या है, मतलब आप किस नज़रिए से अपना आंसर दे रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो क्लियर है यहाँ तक कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोलते हैं, कि विद रिस्पेक्ट टू क्या फ्रेम आप आंसर दे रहे हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन ने कहा देखो दो किस्म के हो सकते हैं दुनिया में, बस तीसरा कोई नहीं है, वो क्या, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो कहता है अगर आप एक फ्रेम की बात करते हैं, जैसे लिफ्ट का फ्रेम है, आप लिफ्ट एक फ्रेम है, लिफ्ट के हिसाब से आंसर देना है, तो वो फ्रेम इनर्शियल हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर मान लो एक लिफ्ट है और लिफ्ट की एक्सेलरेशन जीरो है तो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये देखो दो ही चीज़ें हो सकती है ना दुनिया में, या तो एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी, अगर तो एक्सेलरेशन जीरो हुई तो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू हुई तो नॉन इनर्शियल है। ये बात समझ में आ रही है, जैसे एग्जांपल बताओ मुझे, एक ट्रेन रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई, जीरो, तो कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल। एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रही है तो कौन सा फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल। सही है, एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड तो एक्सलेशन क्या हुई, जीरो, तो कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल। समझ में आ रहा है, देखना आ रहा है इनर्शियल नॉन इनर्शियल, अगर तो एक्सलेशन नहीं हुई तो इसका मतलब तो इनर्शियल, और अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू हुई तो मतलब नॉन इनर्शियल। कोई डाउट इसमें, एक्सेलरेशन जीरो दो ही केस में हो सकती हैं, या तो बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो कहीं भी हो सकती है। तो पहचान में आ गया इनर्शियल नॉन इनर्शियल किसे बोलते हैं। अब न्यूटन कहता है ठीक है आपको बात समझ में आ गई तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। तो न्यूटन कहता है ये मान लो एक ट्रेन है, ये ट्रेन रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब ये ट्रेन क्या है,
इनर्शियल फ्रेम है। तो उसने कहा ठीक है आप ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक रख दो 1 kg का, ट्रेन के अंदर जाके 20 न्यूटन की फोर्स लगाओ और मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ठीक है आपने भी कहा न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा, न्यूटन का फॉर्मूला लगा के न्यूटन को आंसर देते हैं क्या फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू कितनी है 20, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितनी है ए डैश, तो ए डैश कितना आ गया 20, आंसर डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सही है ना, न्यूटन का लॉ लगा रहे हैं हम इसमें, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, आंसर आ गया राइट, सही आंसर। न्यूटन कहते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये ट्रेन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फ्रेम फिर से क्या है? इनर्शियल, एक्सेलरेशन जीरो है। अब मेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दो, 20 न्यूटन की फोर्स है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ए डैश है, तो ए डैश क्या होगा? फिर आपने न्यूटन का फॉर्मूला लगाया, फोर्स मास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फिर से कितनी आई 20। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। न्यूटन कहता है तीसरा आंसर दो, ये ब्लॉक है 20 और ए डैश, फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार लिफ्ट क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। अब वो कहता है कि ठीक है इसमें बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, आप क्या करोगे? न्यूटन का लॉ लगाओगे, एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन, आंसर गलत आ गया। अब आप सोच रहे ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही तो है अंदर, फर्क कहां पड़ रहा है? तो फिर आंसर में ये क्या हुआ, न्यूटन के लॉज इन दोनों क्वेश्चन पे सही आंसर दे रहे हैं, एफ इज एम इन टू ए, पर इसमें गलत क्यों दे रहे हैं? तो फिर इतना तो समझ में आ गया मुझे कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही आंसर देता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकेंड लॉ सही आंसर नहीं देता। ठीक, अब ऐसा क्या हुआ इसके अंदर और ये करेक्ट आंसर अगर निकालना है तो फिर कैसे निकालना है, इसको स्टडी करते हैं। तो न्यूटन ने कहा कि देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, न्यूटन ने कहा जब आप ट्रेन को एक्सेलरेट करवाते हो ना तो एक छुपी हुई फोर्स है, छुपी हुई दिख नहीं रही हिडन फोर्स है जो इस ब्लॉक पे काम कर रही है, जो आप कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए मेरा आंसर गलत है। ये कौन सी फोर्स है छुपी हुई, कभी सुनी है आपने? ऐसे सुनी है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है, आप रोज करते हो एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप गाड़ी में बैठ जाएं, कार में बैठें, बेल्ट ना लगाएं कुछ देर के लिए, जब ब्रेक लगेगी इमरजेंसी आप देखो आप आगे की तरफ गिरते हैं, इनर्शिया। ठीक, वो तो छोटी क्लास में डेफिनेशन से काम चल जाता है, ठीक है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो बंदा आगे गिरा। न्यूटन कहते हैं भैया आगे तो गिरा, धक्का तो मारा होगा किसी ने, तो कौन है वो? कोई है ही नहीं, फिर तो आगे गिरा तो फोर्स की वैल्यू बता कितनी है, यही डिस्कस होने जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप कार को एक्सेलरेट, देखो कांस्टेंट नहीं एक्सेलरेट, रेस तेज दबाते हैं आप पीछे हो जाते हैं और ब्रेक मारते हैं आप आगे गिरते हैं, होता है ऐसा। दूसरा एग्जांपल, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन है जब एक्सेलरेट करेगी, आपका बैग यहाँ पड़ा था, आपने घंटे बाद देखा बैग वो सामने पड़ा हुआ है, बैग खिसक खिसक के कहीं और खिसक जाता है, बहुत होता है ऐसा। तो किसी ने तो टच नहीं किया ना बैग को, तो फिर कैसे बैग खिसक गया? क्योंकि लॉ तो यूनिवर्स का ये कहता है जब तक फोर्स नहीं लगेगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तब तक ये खिसकेगा नहीं। और अगर ये खिसक गया, फोर्स तो लगी है, तो अगर फोर्स लगी है उसकी वैल्यू क्या है ये बताओ, और किसने लगा ये भी बता दो, हमने तो लगाई नहीं। ठीक, फिर छुपी हुई फोर्स है। चलो ये भी एग्जाम्पल छोड़ो, आप प्लेन में बैठ जाए, एरोप्लेन में, वो कहते हैं जी बेल्ट लगा लो, ठीक है। कई लोग कहते हैं छोड़ यार क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। आप जब प्लेन 250 किलोमीटर रनवे पे भागेगा और बाई चांस इमरजेंसी ब्रेक लग जाए तो आप सोच भी सकते कि इतनी जोर की आप गिरने वाले हैं आगे। तो गाड़ी में बहुत जोर की गिरते हैं तो प्लेन में तो बहुत जोर की गिरने वाले हैं, तो बेल्ट लगवाते हैं, फिर वो उड़ जाता है, तो ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देते हैं, 800 किलोमीटर पर आवर पे उड़े जा रहे हैं, पता ही नहीं लगता प्लेन उड़ रहा है, अगर हवा ना चले या बहुत कम टर्बुलेंस हो पता ही नहीं, फिर चाय का कप भी पी रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि प्लेन अगर टेक ऑफ करेगा तो चाय का कप भी सर्व नहीं करेगा आपको, वो गिर जाएगी। यानी कि जब आपके प्लेन ट्रेन गाड़ियां एक्सेलरेट करती हैं तो एक फोर्स जनरेट हो जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, आपने सही पहचाना, उस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। सूडो में पी साइलेंट है, दिखता नहीं है, अपनी फोर्स भी दिखती नहीं है, ये छुपी हुई फोर्स है, पी साइलेंट है, ये भी साइलेंट फोर्स है,
जो एक्ट कर रही है इनर्शिया की वजह से, तो एक सूडो फोर्स एक्ट करती है जो दिखाई नहीं दे रही। तो न्यूटन ने कहा कि अगर आप इसको भी कंसिडर करोगे तो मेरा आंसर सही आएगा, आप आंसर सही निकाल पाएंगे। अब ये सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स तभी एक्ट करती है जब कोई भी बॉडी क्या कर रही होगी, एक्सलरेट, ट्रेन प्लेन गाड़ी एक्सलरेट कर रही होगी, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं इसके कुछ रूल बता रहा हूँ, इसके दो रूल हैं। सूडो फोर्स का पहला रूल ये है, ये तब एक्ट करती है जब कोई गाड़ी क्या करेगी, एक्सलरेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे या फिर रेस्ट पे पड़ी हुई गाड़ी पे ये एक्टिंग करती है। पहला रूल क्लियर है, जब कोई गाड़ी एक्सलरेट करेगी तो उस गाड़ी के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसके ऊपर लगेगी सूडो फोर्स, गाड़ी के ऊपर नहीं लगेगी। ट्रेन एक्सलरेट करके ट्रेन के ऊपर नहीं लगेगी, ट्रेन के अंदर जो बैग पड़ा है उस पर लगेगी। तो बैग कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। इस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। सेकेंड रूल, सूडो फोर्स की डायरेक्शन ट्रेन की एक्सलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। अगर ट्रेन इधर जा रही है सूडो फोर्स बैग पीछे लेके जाएगी, ट्रेन अगर सामने जा रही है सूडो फोर्स पीछे एक्ट करेगी। अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स नीचे एक्ट करेगी। ये रूल भी क्लियर है। और लास्ट में सूडो फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सूडो फोर्स की वैल्यू के लिए काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो फोर्स, ये ट्रेन है, ट्रेन की एक्सलेशन कितनी है? 1 है। ट्रेन की एक्सलेशन 1 है। सूडो फोर्स किस पे लगेगी? ब्लॉक पे लगेगी। ट्रेन पे लगेगी, ट्रेन के अंदर पड़े हुए सामान पे लगेगी 1 kg पे। कहाँ लगेगी? बैकवर्ड, पीछे लगेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो फोर्स में किस पे लगी? ब्लॉक पे लगी। तो मास किसका लेंगे? ब्लॉक का। और एक्सलेशन किसकी लेंगे? ट्रेन की, क्योंकि जितनी तेज ट्रेन एक्सलेट करेगी ब्लॉक उतनी तेज से पीछे जाएगा। तो ब्लॉक का मास 1 और एक्सलेशन ट्रेन की 1। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी? 1 × 1, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे सपोज करो आपके पास एक ट्रेन है, फिर से ये ट्रेन आगे जा रही है विद एन एक्सलेशन ऑफ 2 m/s का स्क्वायर, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है 10 kg का, इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? पीछे। कितनी लगेगी? 10 × 2 कितनी? 20 N। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? आप अगर इसको टच भी ना करें, और फ्रिक्शन तो है नहीं, आपको थोड़ी देर में ये ब्लॉक पीछे नजर आएगा चिपका हुआ यहाँ पे, यहाँ टिक नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? सूडो फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करती है। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ ब्लॉक इंटू ट्रेन की एक्सलेशन। तो अब क्योंकि आपने अपनी फोर्स तो 20 N लगाई और एक छुपी हुई फोर्स सूडो फोर्स भी कंसिडर कर ली 1 N, अब न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन कहता है मेरा लॉ लगा लो, अब सही आंसर आएगा। तो जब आप अब नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अब 20 नहीं आएगी, 20 - 1 कितनी? 19 × 1 × a′ की वैल्यू आएगी। इसलिए अब आपका आंसर सही आएगा। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। अगला इंपॉर्टेंट रूल, अब आप न्यूटन का लॉ लगा रहे हैं। न्यूटन ने क्या कहा था? मेरा लॉ तब चलता है जब फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल। आपने सूडो फोर्स ले ली, अगर आप ना लेते तो मेरा फ्रेम क्या था? नॉन इनर्शियल। सूडो फोर्स लेते ही आपके फ्रेम्स ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? इनर्शियल। अब आप न्यूटन का लॉ लगाएं, आपका आंसर आएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, आपको कहेगा ये ट्रॉली है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रॉली आगे मूव कर रही है, ऊपर एक बीकर पड़ा है जिसमें पानी है। इस पानी की शेप क्या नजर आएगी आपको एज इट इज? क्यों? क्यों सूडो फोर्स नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? सूडो फोर्स इस पर लगेगी। कैसे पता लगा? क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक्सलेशन 0 है, और जब एक्सलेशन 0 है कोई सूडो फोर्स नहीं है, तो पानी ऐसे का ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रॉली एक्सलरेट कर रही है तो बीकर भी एक्सलरेट कर रहे, अंदर पड़े पानी के ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, पानी उछल के बाहर आ सकता है। सही है यहाँ तक? जैसे एक पेंडुलम है, एक ट्रेन की छत पे पेंडुलम है,
वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से ट्रेन एक्सलेट कर रही है, ये पेंडुलम आपको यहाँ टिका हुआ दिख नहीं सकता, क्योंकि पेंडुलम पे बैकवर्ड फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स कितनी 2 × 1 कितनी 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन से ये पीछे हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी के अंदर एक वो टांग ले, शीशे के एक टांग रखा होता है, वो हर वक्त हिलता रहता है, क्योंकि कभी गाड़ी एक्सलेट कर रही है, कभी ब्रेक मार रही है, तो कभी सूडो फोर्स आपकी तरफ, कभी शीशे की तरफ, कभी आपकी तरफ, शीशे हर वक्त, ब्रेक मार रहे हो तो आगे सूडो फोर्स लग रही है, एक्सलेट कर रहे हो आपकी तरफ, तो हर वक्त झूलता रहेगा। देखा आपने कोई भी चीज़ हैंगिंग है वो हमेशा झूलती रहेगी कारों के, गाड़ियों के अंदर। तो पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसके अंदर सूडो फोर्स का रोल कब आएगा, मैंने बता दिया, जब फ्रेम क्या होगा नॉन इनर्शियल, यानी कि एक्सेलरेशन वाले केस में, नहीं तो नहीं आएगा।